कृपा अवे
परम धाम श्री राम उल्लेखित हो
राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भी
सत्यं शिवं मंगलं सत्यं शिवं मंगलं वृद्धि पेज 235। उधर सूत मतिमान अगले दिन साए समय लिए हुए रथियान पहुंचा पुर में भी मना हर्ष उल्लास विहीन पुर देखा उसने तभी जन सब आतुर दीन दिखे उसको तब वहां आता उसे निहार सहस्त्रों जन दौड़े तभी कहां कहो है सार बोले दुख से पूछते बोला वह कर जोड़ बलात्कार से ही मुझे दिया राम ने मोड़ मैं दुख पाता आ गया राजभवन के लोग देख राम बिन सूत को करते गहरा सोग हा हा कहते रो उठे अष्टम ड्योढ़ी पार कर भूपति को मैं मिला झुक कर कर नमस्कार समाचार उसने दिया भूपति बनी अवाक राम कथा सुनकर तभी रहे लगाए ताक पर मूर्छा में थे पड़े कौशल्या दुख साथ बोली रोती दूत यह आया है हे नाथ तज कर मेरे राम को पूछो तो कुछ बात कैसे हैं वे विचरते मृदु मनोहर गात महाविशंबन घोर में कह गई तो पास है नहीं यहाँ देव जी क्यों हो भी तो उदास निर्भय हो सब पूछिए ऐसे करती शोक रानी रोती हुई तब कटकर लता अशोक गिरे तथा वह गिर गई उसको पड़ी अचेत महिला मंडल देख कर आंसू से भरने अतिरोदन करने लगा निसरुदन का नाद नर नारी सब नगर में दारुण दुख विषाद गूंज गूंज भरने लगा धृति अंत में धार थाम कलेजा भूप ने कहा कह समाचार सूत वे कैसे हैं सब कहीं कोमल अंग कंकर कांटों पर चले बंधु सिया के संग कैसे करते वास हैं करके नंगे पैर कांटे नुकीले सह सब रहित द्वेष वैर क्यों कर दिन है काटते साग पात वन बेर कैसे खाते हैं कहो
चल अबेर सबेर कैसे पथे लांगते, कहना आद्योपांत उनका कर्म कलाप, सब रहते हैं किस भांत अतिशय घलवन घोर में, जोड़े दोनों हाथ सूथे को थाम कर धीमे सुर के साथ समाचार देने लगा, राघव है नरराज लक्ष्मण सीता सहित ही मन में रहे विराज, हर्षित निर्भय सर्वथा उनके मनोविचार, विमल शांत है उच्चतर किंचित नहीं है विकार, उनके मानस देश में झुककर बारंबार कहा उन्होंने था मुझे मेरा कह नमस्कार, कुशल पिता को पूछियो माताओं को मान, देना मेरी ओर से तीनों मुझे समान, चरण वंदना स्थान है सीता बहुत विनीत, नमस्कार करती तुम्हें सासों को सप्रीत, कही उसने सुवंदना लक्ष्मण बलयुत वीर, सेवा करता नित्य है नमस्कार वह धीर, कहता था तुम सर्व को आदि अंत तक सूत, वर्णन करता ही गया अपना सिमर सपूत, राजा मूर्छा से गिरा। कौशल्या तब सुनये कहानी, नयनों से बरसाती पानी, बोली पति को देती पीड़ा जिस पर थी कटुकाल कुपीड़ा, भूप विख्यात हो सत्यवादी ना हो कलह कर और विवादी, सब गुण गण होते भी स्वामी पुत्र तजा क्यों जग में नामी, कैसे तरुणी सीता भामा सहती है वन दुखड़े मामा, मृदु शैया पर सोने वाली रहे तृण पर सब रातें काली, स्वादु रसीले भोजन खाती शटरस युत जो भोग लगाती, कड़वे कसैले पत्ते भाजी खा रही है वन में विराजी, गीत सरस में जो प्रवीणा सुनती सितार वादन वीणा, सिंह गर्जना सुन कर कैसे जिए सहेगी दुर दिन ऐसे, तूने तजा क्यों पुत्र प्यारा जो था मेरा एक सहारा, जो वह वर्ष बिता कर पूरे आवे तद बिना चिंता चूरे, भरत ने जो पद वर्षों भोगा राघव जितना उस पर होगा, लेगा वस्तु कैसे पराई खाए नहीं वह पर की खाए, जैसे झूठन विप्र न खाते उठिष्ठ यज्ञ रचे न जाते, बचे पदार्थ की बलि देना यजन दोष है सिर पर लेना, त्यों जो भूमि भरत ने भोगी राम वृति ना उस पर होगी, पर भुक्त पद वह ना लेगा झूठन व्रत सब ही तज देगा, असुरों से जो जाए न जीता वह विचरे वन में सह सीता, इसके बल की धाक पड़ी है उसकी चरिया कैसी कड़ी है, भूतल भस्म करे जो सारा वीर धीर कभी नहीं हारा, बच बच्चों को खाता ज्यों ही राम पिता ने मारा त्यों ही, रानी की सुन दारुण वाणी राजा की काया थरानी, लंबे सांस बहुत वे लेते अचेत रहे चिर तक ना चेते, चेतनता जब उनमें आई चित्त शक्ति उनकी चमकाई, कर्म किया अपना था जो ही स्मरण हुआ उन्हें तब सोई, बोले वे देवी है सच्चाई अति दया तुझ में है भलाई, ऊंच नीच जग की तू जाने धर्म कर्म सुकृत पहचाने, सती सदा पति को सुख देती वह विपद में भाग है लेती, जो बातें तूने कह डारी सतियों का यह धर्म न प्यारी, हाथ जोड़ विनती है मेरी
इसमें समझन शोभा तेरी, पति वचन यह सुन सयानी, हो गई तभी पानी पानी, पति अंजलि निज शीश लगाती, पश्चाताप से पीड़ा पाती, बोली बोली देव क्षमा कर देना, मन में मेरे वचन न लेना, अन्याय मुझसे हो पाया, जो आपको मैंने सताया, देव सत्यवादी हो भारे, धर्म धुरा हो मेरे प्यारे, शोक ने मेरी मति बिगाड़ी, बुद्धि चेतना समझ उखाड़ी, पता न मैं क्या हूँ कह जाती, अस्त व्यस्त बनी अकुलाती, शोक धृति विवेक कुमारे, बुद्धि सुमति को बहुत बिगाड़े, नदी वेगवत जब बढ़ जावे, धर्म कर्म सब दूर बहावे, शोक हता की बहुत बुराई, क्षमा करो मेरे सुखदाई, सुत वियोग सहाना जाता, इससे मस्तक है चकराता, रानी मती को देख ठिकाने, सुख संतोष भूपने माने, ऐसे बातें करते आई, निशा निराशा साथ न लाई, रात छटी में भूख भी होगी, हुआ सचेत यथा हो योगी, रात्रि बीत रही थी आधी, भूपति तज कर मानस व्याधि, बोला मैं हूँ देवी सुनाता, तुझे कर्म का भेद बताता, जैसे कर्म करे जन कोई, वैसे फल पाता है सोई, जैसा बीज भूमि में बोले, अंकुर फल वैसा ही होवे, जो करनी करता है जैसी, उसकी गति होती है वैसी, कर्म फल पर दृष्टि न लाते, जो जन उल्टे कर्म कमाते, हे राम जी हे राम, अंधाधुंध में बन अन्यायी, करे पाप की बहुत कमाई, फल वेला पछतावे ऐसे, विष भक्षण कर बालक जैसे, आम काट जो ढाक लगावे, पुष्प देख कर बहुत हर्षावे, फल समय बहुत ही पछतावे, कर मल मल कर ही रह जावे, ऐसे हूँ मैं अब पछताता, किए कर्म का कटु फल खाता, जो बीजी थी मैंने खेती, आज फली जीवन हर लेती, किए सर्व आए हैं आगे, अब संस्कार पुराने जागे, कुमार काल मुझ पर जब था रानी भरपूर, आधी रात अहेर को मैं जाता बहुदूर, शुद्ध विद्या शब्द वेदि ने सिद्ध बनाने का, वन में जाता रात को मैं सब सज कर साथ, वर्षा काल था एकदा जब जल थल में,
हरण उठ जीते बहुत फिरते सिंहयने वन सर्व थे हरे भरे बढ़े हुए थे घास नहीं दिवस में दीखते वन पशु फिरते पास एक रात को मैं तना धाम धनुष बरमा सरयू तट के बनी में गया धनुष को तान जन जन करते सिंह थे गूंज रहे नद तीर दौड़े फिरते जीव थे नाना चित्र शरीर वन कैसे थे भागते गवै शिक्षे गान फट फट काते फूंकते बड़े विषैले व्याल हंसते रहे थे दौड़ तब उल रहे थे बोल मीठक मोल भरे सब करते अधिक किलोल तब तट पर तब था खड़ा मैं सब ये हथियार सीध बांध कर दबक कर करने को प्रवार सुना नाद मैंने तभी डब डब का उसकार जल में समझा हस्ती मैं सुन रहा है डाल शब्द सीध पर सर तुरंत मैंने मारा तान नाद सुना कभी मैंने अपने कान रामा मैंने अपने कान पालव वाणी मान कर मैं खेदित घर ध्यान सुनता था तब वचन ये किसने मारा बाण रामा किसने मारा बाण जल भरते इस काल में मेरे की क्यों घात अनंता बस निर्वैर का कहा कर्म उत्पात किसका बिगाड़ा है कुछ कौन किया अपराध जिससे मैं मारा गया बने मुनि निर्पराध रामा बने मुनि निर्पराध दंड न देता हूँ कभी जो तजवैर विरोध उस मुझको मारा गया कर विरथा ही कल कल मेरे वस्त्र है चर्म जटा को क्या मिलेगा उसको तो कैसे मुझको मार अपने अनल का शोक ना मुझको है रमलेश बूढ़े मम्मा ता पिता सहेंगे अधिक कलेश रामा सहेंगे अधिक कलेश मुझे मरावे जान कर त्यागेंगे निज प्राण एक बार से तीन को मार गया यह बाण रामा मार गया यह बाण ऐसी सुनकर तापस बानी मेरी काया सब कंपानी ऐसा मैं मन में घबराया हस्त से धनुष बाण गिराया पीछे चल कर धीरे धीरे देखा मैंने सरयू तीर लहू लुहान पड़ा घर्राता था मैं अंतिम सांस लेता जटा उसकी बिखरी पड़ी थी नसे उसकी उखड़ी पड़ी थी धूल रुधिर से लखपत भारा बना हुआ था दस तन सारा खड़ा पड़ा था नदी किनारे तापस ने यह वचन उचारे हे राजन मैं हूँ वनवासी शांत एकांत स्थान निवासी मात पिता मेरे हैं प्यासे वन में बहुत समीप यहाँ से उन्हें जाकर जल का पिलाना इसलिए हुआ मेरा आना वे दोनों हैं नयन विहीन मुझ पर निर्भर उनके जीने सेवक हूँ मैं उनका प्यारा रात दिवस का सच्चा सहारा बाट देखते होंगे मेरी दुखित होंगे होते देरी उनको तो यह ज्ञात नहीं है उनका सुत क्यों पड़ा यही है आए है असमर्थ में ऐसे जाने तो भी आवे कैसे मुझे मार तूने वे मारे न
नयन शक्ति बलहीन विचार मेरा वरना सुन कर दोही व्याकुल तरप मरेंगे सोही देखो यह पगडंडी जाती कुटिया तक जावे बलखाती मेरा वरना सुन कर दोही व्याकुल तरप मरेंगे सोही देखो यह पगडंडी जाती कुटिया तक जावे बलखाती सर्वशक्तिमान।